अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। ये भी वर्कशीट का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, मई जून का। इस क्वेश्चन में हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और कंप्लीट करने के लिए कह रहा है ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड ऑफ द जर्नी। तो हमें इसमें ग्राफ जो है वो ग्रिड में मिला हुआ है, स्केलिंग हुई भी थी प्रॉपर पूरी, सिर्फ हमें ग्राफ उसको ड्रॉ करना है और वन मार्क का ही है। और इन्फॉर्मेशन हमें यह दे रहा है कि कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। और चूंकि कार एक्सेलरेट कर रही है और यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है तो स्पीड तो बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड टाइम ग्राफ में आप जो लाइन बनाओगे वो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इसका मतलब है एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 0, और एक पॉइंट उसने हमें बोला है फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब 30 तक। और फिर आगे ये कह रहा है कि इट्स स्पीड आफ्टर 30 सेकेंड इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 30 पे जो है वो आप 18 पे जो है वो पॉइंट मार्क करोगे। स्केल बहुत आसान सा है, 0 से 10 है, और फिर जो है वो उसने 10 लाइंस है। इसका मतलब है यहाँ भी 1 सेकेंड है, स्मॉल बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, 0 to 10 है, 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, तो इस तरह चल रहा है। तो 18 जो है वो 20 से 2 बॉक्सेस नीचे ये 18 हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने 30 पे 18 ये पॉइंट एक मार्क कर दिया, ये पॉइंट एक मार्क कर दिया, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह बना दी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और 30 सेकेंड्स के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और 30 सेकेंड्स के लिए इसलिए मैंने 30 तक जो है वो स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद कह रहा है द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अगले 10 सेकेंड तक स्पीड कॉन्स्टेंट थी, मतलब 18 मीटर पर सेकेंड ही उसकी स्पीड थी। तो मैंने 10 सेकेंड्स पे जो है वो 30 से 40 एक स्ट्रेट लाइन बना दी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि द स्पीड इज कॉन्स्टेंट नाउ। अब एक्सेलरेशन नहीं हो रही, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसी वजह से स्पीड कॉन्स्टेंट हो गई और वो 18 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक मार्क के लिए जो है उसने मुझसे स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कम्प्लीट करवा दिया। सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट, अब 2 पार्ट्स हैं इसके। द कार एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 30 सेकेंड्स, कार की एक्सेलरेशन बतानी है ड्यूरिंग द 30 सेकेंड्स। सो आई नो दैट सिंस दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन मुझे कौन बताएगी, ग्रेडियंट बताएगी। तो मुझे इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास फर्स्ट पॉइंट 0 0 हो गया, और ये जो लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, 2 पॉइंट्स मुझे लेने होते हैं, तो ये मुझे सॉलिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये 30 और 18 हो जाएगा, 30 और 18 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और y2 - y1 / x2 - x1 से मेरे पास जो लाइन की ग्रेडियंट आ गई है जो कि एग्जैक्टली एक्सेलरेशन के बराबर है, तो दैट इज कमिंग आउट एज 3/5 m/s², क्योंकि y2 की वैल्यू 18 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो 18 - 0 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 30 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो 30 - 0, 18 - 0 18, 30 - 0 30, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, तो 3/5 m/s² इज द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द 40 सेकेंड्स, फर्स्ट 40 सेकेंड्स के लिए मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। तो सिंस दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, तो टोटल डिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो द टोटल टाइम इज 40, टोटल टाइम मुझे पता है 40 सेकेंड्स है, लेकिन मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं पता। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिलो दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके नीचे जितना भी एरिया है। अच्छा, अब यहाँ आपको लाइन अगर नहीं नजर आ रही तो आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना ये ट्रेपीजियम का शेप बना रहा है। अगर मैं इस पूरे एरिया को शेड करूँ, अगर आपको ऐसे शेड करके दिखाऊं, तो ये जो शेप बनेगा, जो 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 कलरिंग होके जो शेप बनेगा वो ट्रेपीजियम का बनेगा। तो आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेना, ऐसा मत समझना कि यार ये लाइन नहीं है तो मैं फिर यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ, इस तरह कुछ भी नहीं है। मुझे इस लाइन के नीचे नीचे तक का पूरा एरिया चाहिए जो कि एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इसका मतलब है आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपीजियम। समटाइम्स एक ट्रेपीजियम बनता है, समटाइम्स 2 ट्रेपीजियम बनते हैं। अच्छा, अगर कुछ बच्चे जो है वो ट्रेपीजियम नहीं करते, ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर में करते हैं, तो बिल्कुल आप एक ट्राइंगल बना सकते हो और एक रेक्टेंगल बना सकते हो, उससे भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ट्रेपीजियम से कर रहा हूँ। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये वाली पैरेलल साइड तो नहीं हो सकती, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि यहाँ नज़र आ रही है आपको, जो कि 10 सेकेंड्स की है तकरीबन, इसकी लेंथ 10 है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है बिल्कुल इस वाली लाइन के, जो कि 40 है। तो 40 और 10 ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हो गई, इसकी लेंथ 40 हो गई, ये फर्स्ट साइड हो गई जो कि पैरेलल है, और ये सेकंड साइड हो गई जो कि पैरेलल है। तो यहाँ 10 हो गई लेंथ और यहाँ 40 हो गई, और इन दोनों के दरमियान जो होती है वो हाइट होती है। तो दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो ये 18 का डिस्टेंस है, इसका मतलब है इसकी हाइट जो है वो 18 हो गई है। तो बस अब मैं जल्दी से फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ। और मेरे पास जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, 40 आ रही है और 40 और 10 आ रहा है, ठीक है। तो 40 + 10 50 हो गए, 50 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 25 हो गया, और 25 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी 450 मीटर्स। यहाँ जो है वो इसने ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करके किया, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ट्राइंगल का मतलब है ये 30 सेकेंड तक, तो बेस आपके पास 30 हो गई और हाइट जो है वो आपके पास 18 हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30, और जब 2 × 1 2 × 15 15 और 18 को मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 270। और फिर ये रेक्टेंगल है हमारे पास जो कि 10 सेकेंड्स का है, तो ये जो बेस हो गई 10 हो गई, और ये जो इसको विड्थ बोल लो या इसको जो भी आपको बोलना है, लेंथ विड्थ या ब्रेथ जो भी कह लो, तो ये 18 हो गई है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो गई, तो मतलब 10 × 18 विल बी गिव मी विल 180, 180 मिल जाएगा मुझे। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 450 आ जाएगा। दोनों मेथड से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। इफ़ यू आर गोइंग विद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज़ कर लो, 450 मीटर्स ही आएगा। तो 450 मीटर इज द टोटल एरिया, टोटल एरिया इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस। सो 450 मेरे पास डिस्टेंस आ गया, 40 सेकेंड्स टाइम आ गया, तो 450 / 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये नहीं होता डिविजिबल, डिवाइड कर दो, 11.25 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड के लिए याद रखना हमेशा हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है। टोटल टाइम तो हम रीड कर सकते हैं ग्राफ से, टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली द एरिया बिलो द ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे भी बोल लो उसको। नॉर्मली ट्रेपीजियम का शेप ही आता है, अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो वो आपकी मर्जी है, उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, लेकिन आंसर एग्जैक्टली वही आता है। तो द फर्स्ट आंसर इज 3/5 और द सेकेंड आंसर इज 11.25। फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे बोला था कि ग्राफ कंप्लीट कर लो, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस इसी तरह वर्कशीट के जो है तुम लोग के साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा, ताकि तुम लोग अपनी करेक्शन कर लो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो।